नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। शिवपुरी जिले के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान लापरवाही के चलते मौतों को रोकने के लिए शहर के तीन पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन की कॉपी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रभारी मंत्री को भी भेजी गई है। वही जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा इलाज में लगातार लापरवाही बरतने की शिकायत के मद्देनजर कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों द्वारा बताया गया है कि इंटर्नशिप के डॉक्टरों से मरीजों का इलाज कराया जा रहा है, जिससे मरीजों की स्थिति बिगड़ रही है और उनकी मौतें हो रही है। वही पीड़ित परिवार ने कहा कि पीड़ित परिवार जो है आज कलेक्टर के पास तीन पीड़ित परिवार पहुंचे हैं और उनके परिजनों की मौत इलाज में लापरवाही के कारण हुई है। वही पीड़ित परिवारों ने अपनी शिकायत के साथ ही साक्ष्य और सबूत भी प्रस्तुत किए हैं। उनको कुछ देर आराम हुआ, इसके बाद फिर डॉक्टर से मैंने कहा भी कि अगर ऐसा लग रहा है तो आप बता दीजिए, हम लोग ग्वालियर ले जाएंगे। बोले आप रुकिए, ट्रीटमेंट चल रहा है। और सर वो सुबह फिर शांत हो गए और हम लोग बहुत कोशिश की, एम्बुलेंस तुरंत बुला के प्राइवेट एम्बुलेंस करके भी निकले यहाँ से, लेकिन वो शांत हो गए। 47 क्लियर हो गए। जो इंजेक्शन लगाया जाता है अटैक वगैरह आता है तो अचानक उसको लगा इमीडिएटली लगा देते हैं, जिससे अटैक का खतरा हट जाता है। वो भी सब कहीं कुछ नहीं है, इतना बड़ा कॉलेज सर शिवपुरी में बना हुआ है, सर मतलब क्या कह सकते हैं, पीड़ा में सब लोग, इतनी घटनाएं घट जाती हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित गजेंद्र शिवहरे ने कहा कि हमने कलेक्टर को अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि इलाज में लापरवाही के कारण हमारे परिवार के सदस्य की मौत हुई है, हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गजेंद्र शिवहरे है, पौरी रोड पर मेरा निवास है। अभी 28 अप्रैल की बात है पूर्व की। मेरी भाभी को भी 47 थी उनकी, 47 साल। हम लोग मेडिकल कॉलेज रात को 9 बजे लेके गए, मैं नहीं था उस समय, हालांकि मैं 10 बजे पहुंच गया था। तो वहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये है, और यहाँ ऐसा कोई मीडिया वाला नहीं है और हम लोग नहीं कि जो ना जानते हों इस बात से कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर क्या है। वहाँ जितने भी जो डॉक्टर हैं वो केवल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनको भेजा जा रहा है, उनसे ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। हम लोगों ने, मैंने चूँकि मेरे पिताजी को मैं हर महीने 2 महीने में ग्वालियर ले जाता हूँ, तो मैंने ये कहा भी वहाँ रात को कि मैं भाभी को ग्वालियर ले जाऊँ, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे थे। बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बोले रुको, हमने ट्रीटमेंट दे दिया और 2-4 घंटे में इनको आराम हो जाए। इसके बाद फिर अपन आखिर ऐसे करते करते सुबह हो गई, सुबह भी उनकी स्थिति दोबारा बिगड़ी, उनको दोबारा अटैक आया, चेक भी नहीं किया मैंने दोबारा अटैक आया। जब भी हमने ये बात की, रात को मैं वहीं था, वहीं रुका था, मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा साहब इनको दोबारा अटैक आया है। बोले नहीं अब आराम पड़ जाएगा, हमने दवाई दे दी है। और साहब 6:30 बजे आखिर हमको ऐसा लगा, तो हम वहाँ से एम्बुलेंस लेके निकले और ज़्यादा से ज़्यादा बालाजी धाम पहले कि बाद में शायद थोड़ा सा 1 किलोमीटर पहुँच के और बालाजी धाम पर जाके भाभी जी, शुभ नाम होगा भाभी जी, ममता शिवरे। और भाई साहब ये बात केवल यही तक की नहीं है, हम सब लोग, शहर हमारा बहुत छोटा है और हम सब लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं कि जो हार्ट की समस्या है, कार्डियोलॉजी का कोई डॉक्टर शिवपुरी में नहीं है। मशीनें और पलंग लगाने से, सुंदर बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता। आप लोग अब चाहते क्या? हम चाहते हैं साहब, हमारा तो चला गया पर और कोई भाई को साथ ऐसी घटना ना घटे, तो डॉक्टर हो, नहीं कार्रवाई बिल्कुल, जो गलती की है वो कार्रवाई होनी चाहिए और बाकी आगे का सुधार हो। साहब ये बात हमारे ऊपर महाराज साहब तक पहुँचे और ऊपर मुख्यमंत्री तक पहुँचे, और साहब यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए, मेडिकल की सुविधा की व्यवस्था की जाए, कार्डियोलॉजी इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है तो व्यवस्थाएँ की जाएँ जिससे हम लोगों की जान बचे, हमारे शहर के लोगों की जान बचे। वहीं मृतक के पुत्र तरुण शिवहरे ने कहा कि मेरे पिता का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उनकी मौत हो गई। हमने इस मुद्दे को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण शिवहरे। क्या हुआ? मेरे पापा को क्या है, माइनर अटैक, मेरे को मालूम नहीं था, मैं DCS यादव के यहाँ ले गया, उनने ECG करवा के कहा कि इनको माइनर अटैक पड़ा है, इनको नवजीवन में भर्ती करवा दो। नवजीवन के बाद हम मेडिकल कॉलेज ले गए इनको। नवजीवन में भैया ने कहा कि नवजीवन में सही डॉक्टर नहीं है, कोई हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं है, आप मेडिकल कॉलेज जाओ, मेडिकल कॉलेज में अच्छा बड़ा है और अच्छे डॉक्टर हैं। तो अच्छे डॉक्टर वहाँ पर हम गए, तो उनने ECG रिपोर्ट दोबारा निकाली, ECG रिपोर्ट निकाली तो पापा को हमने लिटा दिए बेड पे। बेड पे लिटाने के बाद पापा अच्छे सबसे मिल गए, हंस रहे थे, आराम से बैठे थे, वो कोई परेशानी नहीं थी उनको। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको इनके ब्लड
गाढ़ा हो रहा है, तो इनको हमने कहा हम ग्वालियर ले जाएंगे इनको, तो इसकी मैं 100% गारंटी नहीं ले सकता, आप इंजेक्शन लगवा लो, आप मेरे को 5 मिनट में बता दो। तो हमने कह दी हाँ आप लगा दो, हमने साइन कर दिए, सब कुछ कर दिए, ऊपर एडमिट कर, पापा को ले गए, एडमिट कर दिया। उनके 2 इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट थे और एक कंपाउंडर था, जो मशीन रहती है हार्ट बीट वगैरह बताती है उसको, वो कंपाउंडर होता है, उसने बताया कि यहाँ पर लगाओ, जो इंटर्नशिप वाले वो स्टूडेंट थे उनको उनने लगाई, एक नर्स ने देखा थोड़ा बहुत, और फिर वही स्टूडेंटों ने, कंपाउंडरों ने इंजेक्शन लगाया उनको। इंजेक्शन जैसे ही पूरा, मतलब जिन जो पहले से भर्ती था, जो 10 बेडों पे पहले से लगे थे इंजेक्शन, वो आधे भी ख़त्म नहीं हुए थे। और मेरे पापा का मैंने भर्ती करा, उनसे बाद सबसे बाद उनका हाल ख़त्म हो गया, और जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे मेरे पापा को बहुत तेज़ ठंड लगी, मतलब कपकपी छूटी, तो मैंने डॉक्टर को बुलाया जल्दी से, और कपकपी उनने कोल्ड का इंजेक्शन लगाया, उनको ठंड लग रही थी, तो उनने कोल्ड का इंजेक्शन लगाया, जैसे ही वो थोड़े से उठे और उनने थोड़ी अपनी बती थोड़ी टाइट सी करी और ऐसे उठ गए और ऐसे ख़त्म हो। क्या मानते हैं आप जी, कॉलेज की लापरवाही मानते हैं? हाँ बिल्कुल, जो इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट थे उन्होंने मेरे पापा को मारा है, और जो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर जिसकी ड्यूटी थी ड्यूटी पे, वो आ रहा है मेरे पापा ख़त्म होने के बाद। कौन से डॉक्टर थे ड्यूटी पे? नाम डॉक्टर डॉक्टर का नाम तो मालूम नहीं है, और हमारे पास दो डॉक्टर थे जिसने नीचे ECG करी थी, वो डॉक्टर जूनियर था, और जो मेन डॉक्टर था उसको वो जूनियर डॉक्टर व्हाट्सएप पे भेज रहा। घटना ऐसे तो व्हाट्सएप पे तो इंजेक्शन भी लगा दे। घटना कितने तारीख की? घटना 27 तारीख की रात की, परसों की। आज आप अंतिम संस्कार करके पूरा, मतलब जो भी तरीके से आज छारी उठा के हम पापा की घर कलेक्टर के सामने। पापा की उम्र कितनी थी? पापा की 52 ईयर्स थी। तो इंजेक्शन था बाहर से मंगवाया था वहीं पे ही वही पीड़ित परिवार के शंकर शिवहरे द्वारा बताया गया है कि हमारे परिवार का सदस्य इलाज के दौरान लापरवाही के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ है। हमने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पत्नी का अपना 1.5 साल पहले खत्म हो गई। पत्नी का नाम क्या? विद्या शिवहरे। क्या हुआ था? उनको छातियों में दर्द हुआ था, तो मैं पहले चिराग हॉस्पिटल में लाया, 2 घंटे उसने लगा लिए, जहाँ चाहे 5 घंटे कर बोला जैसे मेडिकल में ले जा। मैं मेडिकल में लेके गया, उन्होंने कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया, 5 मिनट में खत्म हो गई। कितनी उम्र थी उनकी? 60 वर्ष। 60 वर्ष की उम्र। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने उम्मीद जताई है कि इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए उचित कदम उठाए जाएंगे। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।